मसाले, बढ़िया दही, बढ़िया मीठी चटनी, सब चीज शुद्ध बना के लाता हूँ अपने हाथ से। ये पूरी दाल की कचौरी का ये पहाड़ बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये अपनी कचौरी जो है विदेश तक में भी जाती है। 1500 निकल जाती है, 500-600 पनीर की और 500-600 स्पेशल मसाला पैटीज। टेस्ट बहुत बढ़िया है, एक बार खाओगे बार बार खाओगे आओगे। मतलब अगर आप इसको रूखा खाओगे बहुत ही क्रंची स्वाद आएगा, ऐसा लगेगा बस एक चाय का प्याला मिल जाए और मजा आ जाएगा। मक्खन वड़ा एंड बालू साइज द सेम थिंग। तो रुपए में कितने आते हैं ये? दो पीस आते हैं। ये राई का पानी। तो खम्मागंडी दोस्तों, मैं हूँ जयपुर में और अभी मैं हूँ बड़ी चौपड़ एरिया में। ये आप देख रहे हो पीछे बड़ी चौपड़ है, जयपुर का परकोटा कहलाता है ये सिटी एरिया, जहाँ पर बहुत से जायके होते हैं और बहुत सारी ट्रेडिशनल दुकानें होती हैं। जैसे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये साफे की एक शॉप है। आज मैं आया हूँ यहाँ पे क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स हैं जो कि बहुत ही जायकेदार हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आज हम वो सारे जायके यहाँ पर टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप जयपुर आते हैं और इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पर क्या अच्छा खाने को आपको मिलेगा, उनके क्या प्राइजेज़ होंगे, उनका जायका कैसा होगा। और नीचे आप ये जो छतरियाँ देख रहे हैं ये है यहाँ का स्ट्रीट फूड। और अभी हम लोग नीचे जाएंगे जयपुर के जौहरी बाज़ार एरिया में और यहाँ का आज कुछ। तो सबसे पहले आज मैं आया हूँ यहाँ पे कांजी बड़ा वाला है, जिसके यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे शायद कोई ब्लॉगर पहले से आए हुए तो अरे तो शैलेश जाना पहचाना लग रहा है। शेविंग करा के आया आज, मस्त चिकना बन गया। तो ये है सर, आपका नाम क्या है? मनोज सैनी जी। आपके कांजी बड़ा, सैनी जी के कांजी बड़े आपने पहले खाए हैं शैलेश? मैंने तो पहले कई बार एक बार खा रखे हैं। क्या बात है, सैनी जी पिछले 70 साल से कांजी वड़ा यहाँ पर लगा रखे हैं। इनके दादा ने लगाया था, इनके पापा ने लगाया था, अब ये थर्ड जनरेशन चल रही है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो, 70 साल से लगा रहे हैं? 70 साल से इन्होंने ही मेरे को बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर 70 साल से इसी जगह पे हो? हाँ, तब से ही। वेरी गुड यार। तो एक प्लेट हमें दो आया। कितने की एक प्लेट आपकी ये कांजी बड़े की? 20 रुपए की। 20 रुपीज़। 20 रुपए में कितने आते हैं ये? दो पीस आते हैं। और ये पानी जो गर्मियों में एकदम बेस्ट है, राई का पानी है ना? राई का पानी। बिक जाते हैं 1000-2000 पीस। पेट के लिए अच्छा रहता है ये, गैस आदमी के लिए। दाल से मोट से बनता है ये, मूंग की दाल मोट की दाल से। राई का पानी है। सुबह हम 10 बजे आते हैं, 9 बजे तक रात को। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ जौहरी बाज़ार में, ये जयपुर का बड़ी चौपड़ एरिया है और यहाँ पर मिलते हैं सैनी जी के कांजी बड़े, बहुत ही फेमस, जो कि मैंने अभी लिए हैं। आप देख सकते हैं ये दो हैं, इस दोने में 20 रुपए की प्राइस है और ये राई का पानी होता है इसमें। हालांकि पहले भी आप लोगों ने खाए होंगे अगर आप राजस्थान से हैं तो, और जो लोग राजस्थान से नहीं है, ये राजस्थान में मिलने वाली बहुत एक ऐसी सूदिंग चीज़ है जो कि गर्मियों में खाई जाती है। तो एक बार पहले तो ट्राई कर लेते हैं और आपको बताते हैं इसका जायका। शेखावाटी बड़ा, शेखावाटी बड़ा बोलते हैं भाई साहब को दिखाओ, उन्होंने बताया हमको। शेखावाटी कांजी बड़ा बोलते हैं इसको। टेस्ट करते हैं एक बार। मूंग की दाल का बनता है, खट्टापन है, खट्टा सा स्वाद है क्योंकि राई के पानी में डाल के दिया जाता है ये। मतलब ना खट्टा राई का पानी, ठंडा, शायद इन्होंने उसमें बर्फ़ भी डाल रखी है। गर्मी का मौसम 43 डिग्री हो रखा है अभी जयपुर का, मतलब उसमें अगर आप ये चीज़ आकर स्ट्रीट फूड के रूप में खाते हैं तो आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी आज हम बहुत सारा स्ट्रीट फूड जो परकोटे में आपको मिलता है जयपुर में वो आज हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये था पहला जायका, अब आगे और भी आने वाला है। तो अब मैं इसको करता हूँ फिनिश। चूल्हे वाली सिगड़ी वाली पेटीज, सिगड़ी पे तो लाते हो क्या इसको? इसमें क्या है, कोला डालने पड़ते हैं, जैसे 15 मिनट में 20 मिनट में इसमें कोला डलता है। अच्छा, लकड़ी है, जैसे जलती रहती है इसकी सिकाई होती रहती है। ओके। तो इससे और तेज क्या है, टेस्ट बढ़ता है इससे। अरे वाह यार। एक तो जैसे चूल्हे की रोटी होती है, ये किसकी, वो उसकी गैस की खाना होता है वो तो अलग ही। इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है क्या? चलो लगा दो, कैसे लगाओगे? सैनी जी आपकी हेल्प कर देंगे रोज? सैनी जी तो पूरी हेल्प करते हैं यहाँ पे। ये क्या आलू बना देता है? आलू का मसाला, आलू का मसाला। रोज रोज ताजा बनाते हो? ताजा फ्रेश। अरे वाह। दिन में दो बार बनता है माल, एक सुबह बनता है। कितनी पेटीज निकाल देते हो एक दिन में? पेटीज 1500
1500 निकल जाती है? 500 पनीर की और 500 स्पेशल मसाला पेटीज। कितने रुपए की रहती है एक पेटीज? एक पेटीज 20 रुपए की 20 और एक पनीर वाली 30 रुपए की। अच्छा वेरी गुड यार। जो एक बार खा गया ना इस पेटीज को, जो इधर आएगा तो खा के जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ये सही कह रहे हो यार। आपके पास कौन सी पेटीज है? मसाला पेटीज, मेयोनीज पेटीज और पनीर पेटीज। ये कौन से बना रहे हो? चीज मेयोनीज कौन सी? चिली सॉस है क्या वो? चिली सॉस, क्या बात। तो ये बन गया है आइटम, क्रीमी पेटीज। तो दोस्तों जहाँ पर हमने कांजी बड़े खाए थे उन्हीं के पास में एक राजेश मीणा जी हैं, जो सिगड़ी पे यानी कोयले पे पेटीज लगाते हैं। और ये पेटीज बनाते हैं दो तीन तरीके की, जिसमें मियोनी पेटीज होती है, नॉर्मल आलू पेटीज होती है, और उसके अलावा चीज़ पेटीज होती है और पनीर पेटीज भी होती है। तो हमने ये मियोनी पेटीज लिए, इसकी स्टफिंग मैंने अभी आपको दिखाई पूरा मेकिंग कैसे ये बनाते हैं। तो अभी खाकर देखते हैं कैसा है टेस्ट। मतलब आलू जब उबाल के जस्ट पराठा बनाया जाता है ना, स्टफ्ड पराठा, जो आलू का टेस्ट आता है प्योर, मतलब जो फ्रेश आलू होते हैं वैसा सा टेस्ट आ रहा है। प्याज डाला है, मेयोनीज है, तो बहुत सही टेस्ट आ रहा है, खाया जा सकता है। हालांकि इनकी पेटीज बड़ी है, तो अगर मैं ये पूरी खा लूँगा तो और कुछ खा नहीं पाऊँगा। तो कैमरा के पीछे जो हैं हमारे साहब, वो अभी इसको फिनिश करेंगे। बाकी पेटीज बहुत अच्छी है, ट्राई की जा सकती है। इस पेटीज की जो प्राइस है 20 रुपीज़ है। कांजी बड़ा भी आप खाएंगे तो एक जो आपको मिलता है जिसमें दो आते हैं वो 20 रुपीज़ का है, और पेटीज भी 20 रुपीज़ है। और यहाँ पे ही आ गए हैं दही बड़े वाले, जिनका हम वेट भी कर रहे थे। तो आप इसी समय आते हो क्या? अच्छा, मतलब बर्फ वर्फ सब तैयारी के साथ? हाँ चलो। ये देखिए इनके आते ही कितनी भीड़ लग गई है। अब यहाँ पे धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और इनका दही बड़ा जो पसंद करता है वो खा रहे हैं। और इन्होंने आके पूरा सेटअप लगाया है, ये छतरी वतरी लगा के इन्होंने ये दही बड़े के ऊपर ठंडा करने के लिए। गर्मी इतनी हो रखी है, दो बार तो मेरे फ़ोन में टेम्परेचर एरर आ गया तो गर्मी बहुत हो रखी है। मेरे ख्याल से 40 है ना, 40-44 डिग्री हो रखी है, बहुत गर्मी है। तो अभी इन्होंने ये सारे अपने मसाले, चटनी, दही और ये मीठी चटनी जो कि इनकी बहुत मतलब मानी जाती है, और ये पपड़ी चाट के लिए पपड़ी रखी हुई है, ये सारा मतलब सेटअप इन्होंने कर दिया है। अब हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे और इनका ये दही बड़ा खा के देखेंगे कि कैसा है टेस्ट कैसा है, और आपको बताएंगे कि अगर आप कभी यहाँ आते तो आपको ये ट्राई करने चाहिए कि नहीं। ये कितने टाइम से लगा रहे हो? 25 साल से सर। 25 साल से लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ही लगाते हैं कि? नहीं, मेरा बच्चा खड़ा होता है। अच्छा, तो आज आप आए। हाँ, तो क्या खासियत है आपके दही बड़े की? ये तो ग्राहकों को पसंद है, मेरा दही बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बेच दे रहे हो उनको? बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ मैं उनको, शुद्ध चीज़ दे रहा हूँ, बढ़िया मसाले, बढ़िया दही, बढ़िया मीठी चटनी, सब चीज़ शुद्ध बना के लाता हूँ अपने हाथ से। अच्छा, तो मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे खाने, तो अच्छा लगेगा मेरे हाथ का दही बड़ा, अगली बार भी, नेक्स्ट टाइम भी आओगे आप मेरे पास। क्या बात है। तो अब हम खा के देखते हैं ये अग्रवाल दही बड़ा, दही बड़ा बना रहे हैं भाई साहब। ये क्या क्या डाल रहे हैं आप एक बार बताते जाइएगा। ब्लैक नमक डाल दिया, लाल कुटी हुई मिर्ची, जीरा पाउडर। फिर अच्छा, वाह वाह वाह, चटनी तो बहुत बढ़िया लग रही है। क्या क्या है इस चटनी में? ये अमचूर की चटनी है, जीरा है, वो खा के दे, काली मिर्ची है, सौंफ है, गुड़ है, चीनी है, और ये दही। ये दही है अपने हाथ का ही, गोल्ड का जमाया हुआ, बढ़िया। और ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी, ये मीठी चटनी हल्की सी, और फिर ऊपर से मीठी चटनी आप डाल रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ये क्या बात है। तो दोस्तों ये है अग्रवाल जी का दही बड़ा, जो कि शैलेश ने शायद पहले भी खाया है, इन्होंने ही बताया था मुझे कि ये बढ़िया है यहाँ पे, तो आज मैं भी खा के देख रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो दही, और उसमें जो ये मसाले ना, मसाले मेरे ख्याल से हाथ से कूटे हुए हैं, क्योंकि अगर वो किसी मशीन में या फिर मिक्सर में कूटे हुए होते हैं तो बहुत बारीक होते हैं, लेकिन इतने बारीक है नहीं, तो ये घर में कूटे हुए मसाले लग रहे हैं। ये अब ग्रीन और वाइट चटनी के साथ में एक बाइट में लेके देखता हूँ इसका। भाई साहब मतलब देखो, दही बड़े तो बर्फ़ की सिल्ली पे रखे हुए हैं ही, तो वो ठंडे हैं। जो इन्होंने दही दी है शायद उसमें भी बर्फ़ इन्होंने पहले डाली होगी या अभी होगी उसमें, इसलिए बहुत ठंडी दही है। 40-45 डिग्री का यहाँ पर जो है टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में इस गर्मी के मौसम में ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लग रही है।
अगर आप यहाँ आते हैं तो टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, मसालों का टेस्ट और मीठी चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और जब ये दही के साथ मिलती है ना दोनों चीज़ें, तो अलग ही जायका देती हैं। मेरे ख्याल से आप वाकिफ़ होंगे इस जायके से, मैंने भी बहुत बार पहले खाया, लेकिन फ्रेशनेस जो मसालों की फ्रेशनेस इसमें मिल रही है ना, वो बहुत कम जगह मिलती है। सही मायने में ये फेमस है, तो पता चल रहा है कि क्यों फेमस है। तो अब मैं इसको खा लेता हूँ, जल्दी ख़त्म करता हूँ और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और नई डेस्टिनेशन पे, क्योंकि आज मैं निकला इसलिए हूँ आपके लिए नए नए जायके बताने सिटी परकोटे के जयपुर में। तो चलिए तो दोस्तों, ये है जयपुर का हल्दियों का रास्ता जहाँ पर अभी हम आए हैं। अब यहाँ का जायका देखेंगे कि कैसा है। यहाँ पर दो जगह है जहाँ पर हम लोग अभी जाएंगे। तो ये है वो जगह, करौड़िया कचौड़ी भंडार। तो ये जो हल्दियों का रास्ता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं वो यहाँ तो आपको ज्वेलर्स मिलेंगे या फिर कपड़े के व्यापारी मिलेंगे, लेकिन उसी जगह पे एक ये करौड़िया नमकीन करके है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको ये जो जायका मिलेगा, ये जयपुर का सबसे माना हुआ जायका है। अगर कचौरी समोसा अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ को टेस्ट कर सकते हैं। आपका नाम बता दो भैया। पृथ्वीराज। ये दुकान को अपने होगा 60 साल करीब, ये हमारे दादाजी ने स्टार्ट करी थी, उनके टाइम से चलता हुआ रहा है और ये मेरी थर्ड जनरेशन है। पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी के बाद अब हम दो भाई हैं जो ये काम संभालते हैं। अपनी एक यहाँ शॉप है, एक राजा पार्क में भी शॉप है। राजा पार्क में काम कर रहे? राजा पार्क में वैदिक कन्याई गेट पे, आर्य समाज रोड। अच्छा, शंकर समाज जी, के नाम से जी, शंकर के सामने। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, यहाँ पर लोग मोस्टली क्या खाते हैं? समोसा। यहाँ पे मोस्टली अपना सबसे ज़्यादा कचौरी बिकता है, उसके बाद समोसा, जैसे कोई आलू की चीज़ खाना चाहता है। लेकिन अपन दाल की कचौरी की 2 वीक की गारंटी लेते हैं, 14 दिन 15 दिन की गारंटी अपन दाल की कचौरी बोल के भेजते हैं। मतलब कोई पैक करा के लेके जाएगा? जी जी, अपनी कचौरी जो है विदेश तक में भी जाती है। अपन उसके साथ सूखी ड्राई चटनी देते हैं, सूखी चटनी देते हैं, जिसको आप पानी में या दही में जो आपकी इच्छा हो उसके साथ खा सकते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये है प्याज की कचौरी, ये ब्रेड पकौड़े और मिर्ची, ये दाल की कचौरी है। ये पूरी दाल की कचौरी का ये पहाड़ बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, और मेरे ख्याल से ये शाम के वक्त तो ये पहाड़ दिखेगा ही नहीं, है ना। एक बनाना यार, क्या लेके गए? समोसा की कचौरी। आप मेरे को दाल की कचौरी दे दो। ये ग्रीन चटनी, और ये किस चीज़ की चटनी है भैया? काली वाली आमचूर का। ये आमचूर का चटनी है, और ये ग्रीन चटनी है, और ये कड़ी है। तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है दाल की कचौरी। अभी दाल की कचौरी में 2 चटनियाँ डाली हैं इन्होंने, आगे देखते हैं कैसा है। तो ये है दोस्तों दाल की कचौरी यहाँ की, इनमें इन्होंने 2 चटनी डाली है। एक तो डाली है ग्रीन चटनी, जो कि धनिया और पुदीने की चटनी होती है, और एक काली आमचूर की चटनी थी, आमचूर की चटनी, है ना। आगे देखते हैं कैसा है ये। क्या बात है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। मतलब दाल की स्टफिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कई कचौरियाँ मैंने खाई हैं जिनमें दाल की स्टफिंग थोड़ी कम होती है और बाकी का मैदा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे दाल की स्टफिंग ज़्यादा है। और जो दूसरी चटनी है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, वो आमचूर वाली चटनी, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है उसका। तो ये तो बढ़िया है, अब एक समोसा लेके देखते हैं और आपको बताते हैं समोसा का टेस्ट कैसा है। कचौरी तो हमने एक बार दाल की खा ली और बहुत अच्छी थी, अब एक समोसा हम बनवा रहे हैं। क्या बात है। तो ये है दोस्तों यहाँ का जो है समोसा, बहुत ही बढ़िया। दोनों चटनियाँ इसमें डली हुई है, वही ग्रीन वाली और एक अमचूर वाली चटनी। गर्म है बहुत, गरम गरम समोसा है, ताज़ा ताज़ा इसमें आलू है, 2 चटनियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें डाली हुई हैं। समोसा भी बढ़िया है और गरम गरम है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में गरम कचौरी समोसे थोड़ा सा, बट चटनी बहुत अच्छी है, बहुत ही सूदिंग है। कंपैरेटिवली कचौरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दाल की कचौरी बहुत टेस्टी थी। तो ये था यहाँ का जायका, अब हम चलेंगे किसी और जायके की तरफ। तो खाते हैं, ख़त्म करते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। तो दोस्तों, मैं वर्चुअल बंजारा आशीष वाधवानी आज निकला हूँ जयपुर के स्ट्रीट फूड पे, जहाँ पर मैं आपको
अलग अलग जायके दिखाने वाला हूँ, जिसमें से अभी मैं आया हूँ ये साबर वाला स्वीट्स के यहाँ पे, जो कि है हल्दियों का रास्ता जयपुर में। और यहाँ पर बहुत सी मिठाइयाँ, हालांकि लिमिटेड मिठाइयाँ ये बनाते हैं, जिनमें से एक जो सबसे मशहूर है इनकी वो है माखन बड़ा, या फिर आप इसको जिसको बालूशाही भी बोलते हैं। माखन बड़ा बहुत ही लजीज और ये स्वादिष्ट बनाते हैं। अप्रोक्सीमेट 113 ईयर्स। क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोगों को अच्छी लगती है और मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं इतने 100 सालों में? वैसे तो हमारी फीनी के लिए फेमस है, और सेकंड जो है घेवर है, और फिर ऑफ सीजन में जो है वो हमारे मक्खन बड़े वगैरह और जो आइटम्स है वो चलते हैं। तो अभी अपन क्या ट्राई करें, कुछ चीज़ अगर आप बताओ तो क्या चीज़ ट्राई की जाए? मक्खन बड़े ट्राई कर सकते हैं। मक्खन बड़े एक बार दिखाओगे, निकाल के एक बार दिखाओ सर। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है मैदा, घी, बस बेसिक यही जो होता है रॉ मटेरियल। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ सांबर वाला स्वीट, जो कि हल्दियों के रास्ता में है। ये जो स्वीट्स है सांबर स्वीट्स, ये बहुत ही लिमिटेड मिठाइयाँ बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मेरे ख्याल में 4 से 5 स्वीट्स आपको दिखेंगे, जिनमें से जो सबसे जायकेदार या बेहतर यहाँ पर है वो है ये मक्खन बड़ा। मक्खन बड़ा एक्चुअली ये मैदा और दही तो हालांकि इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में डलता है, लेकिन मैदा और चीनी से बनता है ये, और बिल्कुल देसी घी में इसको एक गोल बना करके देसी घी में फ्राई करके और इसको चाशनी में डाल के बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हो ये, तो ये देख सकते हो बहुत ही मतलब सॉफ्ट है। अब एक बार खा के देखते हैं हम लोग, मतलब बाहर से ये थोड़ा सा आपको हार्ड दिखेगा लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब एक बार इसको खा के देखते हैं। मैं क्या मीठा बहुत कम खाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। और मक्खन बड़े मैंने जहाँ जहाँ जो अच्छे बिकते हैं, अच्छे फेमस हैं, वहाँ के मक्खन बड़े की खास बात मैंने देखी कि वो ज़्यादा मीठे नहीं होते, मतलब एकदम बैलेंस्ड मीठा है ये, सॉफ्ट है, देसी घी की प्रिपरेशन है तो जायका बिल्कुल आ रहा है देसी घी का, ओवरऑल बिल्कुल खाया जा सकता है। और इसके लिए एक ऑटो करके यहाँ पे आया जा सकता है। ये है सांबर स्वीट्स, सांबर वाला स्वीट्स। यहाँ पर लड्डू आपको मिलेंगे, यहाँ पर और भी मिश्री मावा भी आपको मिलेगा, और ये मक्खन बड़ा आप जब भी यहाँ पे आते हैं। और इसी के पास में एक अच्छा, यहाँ पे ये गेवर मेकिंग हो रही है, ये भी सांबर वाला के ही है। आप यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे ये गेवर बन रहा है। और ये क्या क्या डिप है सर? ये दूध है, मैदा है, घी है। दूध है, मैदा है, घी है, गेवर। ये जयपुर के गेवर बहुत फेमस हैं, ये भट्टी पे बन रहे हैं। तो एट द एंड अगर आप जयपुर में हैं, मीठे के शौकीन हैं, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आ सकते हैं और ये चीज़ें आप खा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी हैं। आइए अब दूसरी जगह चलते हैं और जायके बताते हैं। राजस्थान का जो फूड होता है वो तीखापन लिए हुए होता है लेकिन बहुत कलरफुल होता है। यहाँ के लोग, यहाँ का पहनावा, यहाँ का फूड, सब कुछ कलरफुल होता है। जैसे देखिए इनको कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है। कितने टाइम से बना रहे हो यहाँ पे? 30 साल से। ये क्या चीज है? ये भजिया है। भजिया और ब्रेड पकौड़ा और मिर्च बड़ा और क्या में देते? चटनी में, चटनी में देते। कैसी चटनी है? खड़ी और मीठी है। आप दो जने बैठते हैं यहाँ पे 30 साल से? अरे वाह यार, चाय के साथ खाते हैं भजिया को, चाय के साथ सब्जी बनाते हैं। हाँ सब्जी भी बनाते हैं, भजिया की सब्जी। तो जयपुर के स्ट्रीट फूड भजिया, ये भजिया, थोड़ा सा भजिया लेते हैं, आगे देखते हैं कैसा है। लेना वन टू एक बार पकड़िए। आसपास चाय वाला भी है क्या कोई? कितना करो? बढ़िया है, चाय के साथ तो बहुत शानदार लगेगी। इन अंकल जी की ले लो एक वीडियो। आते कितने टाइम? अरे वीडियो बनवाए कि नहीं? किया हुआ है आपने ये? 10 साल से। भजिया बिकता है, ब्रेड पकौड़ा बिकता है, मिर्ची बड़ा बिकता है, और दाल के बड़े बिकते हैं सर्दियों में। कितने टाइम से कर रहे हो? 30 साल से कर रहे हैं हम। 30 साल? हाँ। क्या बात, डेली आ चुके हैं? डेली आए।
रोज यहीं आते हैं वो। क्या लिया आपने अभी? मिर्ची का बड़ा। हाँ जी, ये चीज जैसे मैंने खाई, मेरे को अच्छी लगी। अब मैं जैसे घर पे लेके जाना चाहूँ तो खराब हो जाएगी क्या? अरे भाई साहब, लोग आप विदेश लेके जाते हैं, 10 दिन तक रहती है। ये खराब नहीं होता है, इसके अंदर आलू का मसाला होता है, ये खराब होता है। अच्छा, मतलब ये इसके अंदर आलू होता है, इसके अंदर आलू होता है, ये बिल्कुल सूखा होता है, ये खराब नहीं होता है। अच्छा, तो इसको कितने दिन रख सकते हैं? शेल्फ लाइफ क्या है? करीब 10-15 दिन आराम से। 10-15 दिन आराम से लोग बाग से ले जाके डिब्बे में भर के फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं चाय के साथ हम लोग। क्या बात, ये लग भी रहा था जब मैं खा रहा था ना, मुझे लग रहा था एक चाय और मजा, तो मजा आ गया। तो आप है ना, थोड़ी सी एक ऐसी प्लेट लगाओ चटनी वटनी डाल के। हाँ अच्छा, मीठी चटनी मत डाल, ठीक है ले आओ जी। चटनी डालो इसमें? हाँ डालिए चटनी डालिए। अरे वाह, मजेदार, बहुत शानदार। तो सर चटनी के साथ खाते हैं या लोग बाग मोस्टली सूखा खाते हैं? सूखा भी खाते हैं, चटनी के साथ भी खाते हैं, पसंद अपनी अपनी होती है। ये जौहरी बाजार है जयपुर का, जयपुर के जौहरी बाजार में जब आप शॉप नंबर 332 पे आएंगे, 332 के सामने ये लगाते हैं जो भजिया यहाँ पे देते हैं, मिर्ची बड़ा और ब्रेड पकौड़ा। भजिया बहुत अच्छे हैं, हम लोग खुशबू से रुक गए यहाँ पे। मतलब अगर आप इसको रूखा खाओगे बहुत ही क्रंची स्वाद आएगा, ऐसा लगेगा बस एक चाय का प्याला मिल जाए और मज़ा आ जाएगा। और अगर आप ये चटनी वगैरह डलवा लोगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही फिर चेंज हो जाता है, शब्द नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा लग रहा है ये। बहुत अच्छा है यार। बाकी मैं मानता हूँ कि अगर सर्दियों में अगर आप आते हो और गरम गरम मिल जाए ना आपको और चाय का प्याला मिल जाए, लाइन से बिकता है, मोटे वाले। अच्छा, स्पेशल बनते हैं, क्या बात है। और इस एक प्लेट की क्या कॉस्ट है? 20 रुपये में। देखो 20 रुपये में ये क्वांटिटी मिल जाती है, सफिशिएंट है, 100 ग्राम्स है, सफिशिएंट है एक जने के लिए, तो आराम से पेट भर सकते हो आप इसको। और जायका तो बहुत ही अच्छा है। आपका किस नाम से ये? नाथूलाल शर्मा। नाथूलाल शर्मा के नाम से आपको ये स्ट्रीट फूड मिलेगा। और आप बनाते भी यहीं पर हो? प्योर मूंगफली के तेल में बनता है। और देखिए वो मिर्ची बड़े की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर, भजिया इन्होंने अभी जस्ट हमारे सामने तला है। ब्रेड पकौड़ा कभी और आएंगे ट्राई करेंगे, बाकी अभी तो ये खा के मज़ा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट। और ये वो वाली गली है जो कि गोपाल जी का रास्ता में अगर आप आएंगे तो इसे बोलते हैं अचार वाली गली। और ये अचार वाली गली, ये अचार की दुकान है, बहुत पुरानी, इसके नाम पर है ये। हालांकि मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं इस अचार वाले का वीडियो तो ऊपर दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। और ये गली है, हालांकि इस गली में अगर आप आएंगे तो खाने पीने की सिर्फ 2 शॉप्स ही आपको मिलेंगी, जिसमें से एक ये है रबड़ी की शॉप, शाही रबड़ी और केसर रबड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक है ये बहुत ही अच्छे जायके के आपके यहाँ पे अचार मिल जाते हैं। सर पहले की दुकान ऐसी हुआ करती थी, नई दुकान है हमारी दुकान में, कुल्फी मिलती है, मिल्क रोज मिलता है, केसर मिल्क मिलता है, मटका कुल्फी है, रबड़ी का गिलास है, शाही रबड़ी है, शाही रबड़ी में रबड़ी और कुल्फी मिक्स में आती है, बादशाही में रबड़ी कुल्फी मिल्स तीनों आइटम मिक्स में आता है और अलग अलग फ्लेवर्स के तरह के मिलते हैं। तो एक बार आके आप जरूर चेक करें, आपको आनंद आएगा, सभी वेराइटी बिल्कुल फेवरली शुद्ध है। दुकान का नाम है पन्ना लाल जी कुल्फी वाले, गोपाल जी का रास्ता, अचार वाली गली, अचार वाले के सामने, दुकान नंबर 1242, मोबाइल नंबर 9314227271। इसके अलावा सर्दियों में हमारे पास 4 महीने मूंगफली होती है, पीनट्स मूंगफली होती है, हाँ वो भी हमारे स्पेशल साइज आता है, किंग साइज। और क्या क्या रखते हैं? उसका गुड़ की चिक्की होती है, नमक वाला मूंगफली होता है, शाही रबड़ी है, अलग अलग है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग टेस्ट है, सब आते भी होते हैं। ये सर मिल्क रोज की, ये बादाम मिल्क है, ये मिल्क रोज है, ये रबड़ी का गिलास है, इसमें कुल्फी डाल के भी बनता है, मिल्क शेक के साथ भी बनता है, ये रबड़ी है, हाँ ये रबड़ी का गिलास है, बर्फ शबर डाल के बनता है, है। हाँ फिर बर्फ डाली मेकिंग होगा, ये बर्फ डाली है, उसके बाद इसमें शरबत डलेगा, शरबत हाँ, उसके बाद में से केसर पिस्ता की मटका कुल्फी डलेगी। हाँ साहब हम खुद बनाते हैं, 90 साल पुराना हमारा काम है, फुल प्योरिटी है, फुल प्योरिटी, जयपुर का जितना भी जौहरी है सब यही खाते हैं, 90 साल पुराना ये काम है, ये कुल्फी, हाँ जी मटका कुल्फी केसर पिस्ता की, शानदार लजीज चीज है, बहुत दूर दूर से इसको लोग तो खाने के लिए आते हैं। गिलास है ये कितने रुपए का सर? ये 85 रुपीज का गिलास है, 85 का रहता है, हाँ जी सर, इसको बोलते हैं रबड़ी विद कुल्फी, लोग बाग इसको अच्छा पसंद करते हैं, हाँ खूब पसंद करते हैं सर, बस ये रेडी है खाने के लिए, तैयार है। तो ये दोस्तों इन्होंने एक ये नीचे इनकी ये रबड़ी होती है और ऊपर से इन्होंने एक ये शरबत डाला, फिर उसके बाद में मटका कुल्फी इन्होंने डाली और उसके बाद में रोज शरबत वापस डाला, तो ऐसे करके ये ग्लास बनता है।
तो फिलहाल हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसा है। तो हम हैं अभी पन्ना लाल की कुल्फ़ी और रबड़ी वाले, और अभी हमने ये आइसक्रीम रबड़ी फलूदा सब कुछ है इसमें, है ना। तो ये कुल्फ़ी है इसमें, मटका कुल्फ़ी और रबड़ी भी है इसमें। तो पहले ऊपर का बाइट लेते हैं जिसमें ये कुल्फ़ी है। कुल्फ़ी पहले एक बार टेस्ट करके देखते हैं। बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। अब है ना, एक बार हम लोग नीचे से एक बार एक स्कूप लेते हैं रबड़ी का। मतलब जो क्रस्ट इन्होंने आइस डाली थी ना, वो आ रही है। रबड़ी का बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट आ रहा है विद रोज शरबत के साथ। मतलब ना इतना सूदिंग, और इस गर्मी में इतना ठंडा ठंडा, और मतलब इतना सही लग रहा है ना। बहुत सही है टेस्ट इसका। मेरे ख्याल में आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। रोज़ लेके जाते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। कितने टाइम से आ रहे हैं? हम एक साल से रोज़ खा रहे हैं। एक साल से क्या लेके जाते हो हमेशा? मटका कुल्फी। हाँ, ये सादा कुल्फी है सर, विदाउट केसर पिस्ता की। कई लोग बिना केसर पिस्ता पसंद करते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल कुल्फी है। केसर पिस्ता वाली भी है, रबड़ी का गिलास भी है, और इनको रबड़ी में डाल के भी बनाया जाता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग टेस्ट है। ये अभी तो बनाया था रबड़ी कुल्फी, अब बन रहा है रबड़ी कुल्फी मिल्कशेक, तीनों आइटम मिक्स में। ये वैसा हम बरसों से खाने आ रहे हैं, बहुत पुराने ग्राहक हमारे। बहुत स्पेशल आइटम है ये, आप चीख देखिए कैसे बनता है ये। इसमें रबड़ी डलेगी, रब डलेगा, शरबत डलेगा, और बहुत ही लग्जरी आइटम है ये। लोग बाग खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप देखिए मटका कुल्फी डालो इसमें, इसको बोलते हैं बादशाही रबड़ी। रबड़ी, हाँ, रबड़ी कुल्फी मिल्कशेक तीनों आइटम मिक्स आ गया इसमें। अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है ये। इसमें रबड़ी का गिलास आ गया, केसर पिस्ता की कुल्फी आ गई, और केसर पिस्ता का मिल्कशेक आ गया यहीं पे। हाँ, अभी जैसे आपकी उम्र लगभग कितनी हुई? 60। ये बहुत बरसों पुराने ग्राहक हमारे, पैदा हुआ जब से खा रहा हूँ। तो आप हमेशा यही वाला गिलास बनवाते हो, बड़ा शाही वाला? करीब करीब ये फिक्स है, शाही वाला गिलास मैं यही पीता हूँ। या तो पिए नहीं, पिए तो कम से कम ढंग से पिए। क्या बात है। इसकी प्राइस कितनी है शाही वाले की? ये बादशाह रबड़ी 110 रुपये। बादशाह रबड़ी 110। अभी 50-60 साल से खा रहे हैं। आपका नाम? शंकर लाल। कितने टाइम से आ रहे हैं आप? बरसों से आ रहे हैं, जन्म से। अच्छा, आप यहीं रहते हैं क्या आसपास? यहीं रहते हैं, गोपाल जी के रास्ते में। आपने छोटा वाला लिया है ना? हाँ, गोपाल जी के रास्ते में। ज़्यादा फ्लेवर्स भी नहीं डलवाए इसमें, ये बिना बर्फ के खाते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया है, एक बार खाओगे बार बार खाओगे आओगे। कितने वाली है रबड़ी? माल पूरा शुद्ध है, कोई मिलावटी नहीं है। पच्चीस रुपए का बादाम दूध, 25-25। ये प्योर चीज़ दूध से बनाई हुई कढ़ाई में। और आजकल क्या कुछ भी रेडीमेड पनीर आता है, रेडीमेड वो आता है, रेडीमेड चीज़ आता है, वो सब डाल डूल के खाली वो शो बाजी आता कर देते हैं। चीज़ डाल दी, वो डाल दी, फुला दिया। अब वो सरदार जी हमें रोड पे बनाते हैं, अरे ज़्यादा पे तो बीमार हो जाए आदमी। बर्फ ही बर्फ और दुनिया भर के फूले। मतलब आपको अगर ऑथेंटिक कुछ चाहिए और कुछ ऐसा खाना है, प्योर रबड़ी, प्योर कुल्फी, तो आप यहाँ आ सकते हो। हमारे यहाँ की मटका कुल्फी आप घर ले आ सकते हैं। इसको 15-20 दिन तक आप काम में लीजिए, ख़राब नहीं होता है। प्लस कुल्फी सेगारी रहता है। इसके अलावा हमारे पास कुल्फी रबड़ी भी मिलती है टोल से 500 रुपये किलो। कुल्फी जमाने की रबड़ी भी मिलती है 400 रुपये किलो, जिनको घर ले जाके जमानी हो। और चाहे तो आप जमी जमाई ले जाएँ, 15-20 दिन तक खराब नहीं होता है। प्लस सेगारी रहती है कुल्फी, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें आप। तो दोस्तों, ये था जयपुर का स्ट्रीट फूड, जो कि आज हमने आपको दिखाया था, जो कि बड़ी चौपड़ पे स्ट्रीट फूड है जयपुर में। और ये रिकमेंडेशन थी एक व्यूअर की। इसी तरह से अगर आपके भी कुछ रिकमेंडेशन हैं हमारे लिए जयपुर स्ट्रीट फूड को लेकर के, तो आप भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।